आई टू माय एड्रेस. तो मेरी मम्मी की बहन की बेटी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं हूं रेशमा खान, आप देख रहे हैं मुंबई मार्केट मसाला. और फाइनली अब 10:30 बज रहे हैं फिलहाल हम. यस, तो हम लोग बस अभी तैयार हुए हैं और आज हम लोगों ने वाइट ही पहना. जगमग था लेकिन आज जगमग नहीं पहना, वो सब बाद में मैं आपसे बात बताऊंगी. और मेरी मम्मी, अम्मा जी जरा रुको, अभी जरा दुपट्टा पहन के तैयार तो होने दो. तो बहुत से लोगों को मेरी मम्मी बड़ी यंग लगती है, तो यस मेरी मदर बहुत यंग है. एंड वी टू, वी टू मतलब तुम तो टीनेजर हो बच्चा. हाँ तो संतूर ऐड वाली. तो मैं भी जब मेरी मम्मी के पास जाती हूँ तो मेरी मम्मी भी संतूर. अम्मा जी आप कौन सा साबुन यूज करते हैं? तो ढिंग चेक नाम बनाने बताने वाले हैं मेरी मम्मी. नहाने वाला और लाल वाला भी यूज करते हैं ना एक कभी कभी, कौन सा? तो मेरी मम्मी आज भी 80s में अटकी हुई है, वो हमाम और लाइफ बॉय यूज करती हैं. और अम्मा जी कपड़ा धोने के लिए कौन सा यूज करते हैं? कपड़ा कौन से इससे धोते हैं? वॉशिंग मशीन में पाउडर कौन सा डालते तुम? एरियल. ओ एरियल. और कभी कभी साबुन भी रगड़ते क्या? बट्टी कौन सी? बिजली बिजली साबुन. तो साबुन के मामले में मम्मी अभी 80s में ही है. कौन सा जी? बिजली. बिजली बादल, ऐसा बादल बिजली है कि सिर्फ बिजली है? क्या नाम है अम्मा जी बोलो ना. बिजली से. सिर्फ बिजली. हाँ. तो मेरे को डांट भी पड़ गई बिजली. तो मेरी मम्मी बेचारे सुबह सुबह 7 बजे आ गए, नमाज पढ़ गए और मैं तैयार ही नहीं. मेरी मम्मी दरवाजे पे, ये क्या है तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तुम अभी नींद से उठी? मैं बोले मम्मी दरवाजे पे क्या बोल रहे हो, इज्जत की बेइज्जती हो जाएगी. अच्छा फिर बोले हाँ रहने दो वो, तुम अभी नहीं उठे क्या? मैंने नहीं, मैं अभी नहीं उठी. मैं उठ के PDF बना रही, पता किस तरह बाबर ना दिख नहीं रहे. तो मैं ना, तो ये है हमारी 3 generation, मेरी मम्मी, मैं मम्मी और मैं इसकी मम्मी. अच्छा मेरी मम्मी ना अभी भी हम लोग अगर रिक्शा में बैठते हैं ना तो मेरी मम्मी क्या बोलेंगे, फलक जगह नहीं हो रही, बेटा मेरी गोदी में आ जा. अब फलक मम्मी से इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मेरी अम्मा जी फिर भी बोलते फलक जगह नहीं हो रही, अच्छा मेरी गोदी में बैठ जा. मैं तुम्हारी गोदी में कैसे बैठ सकती हूँ, अब तुम उसकी गोदी में बैठो, वो तुमसे भी बड़ी हो गई माशाल्लाह हाइट में. सो एवरीवन ईद मुबारक. अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे हम सभी को और हमारी सारी मुश्किलात आसान करे और सारी जायज़ दुआएं अपने हुजूर के सदके में हमारी कबूल करे. और अपने साथ साथ अपने आसपास का भी ख्याल रखिए, अपने लोगों का भी ख्याल रखिए. हम लोग बहुत मर्तबा इतने मसरूफ़ हो जाते हैं ना कि सिर्फ फ़ोन करके ईद मुबारक बोल देते हैं. लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे तो अम्मा जी लोग कितने कितने दिन बाद आते थे तो ईद मिलने के लिए ना, 10-10 दिन 15-15 दिन बाद भी आते थे, क्योंकि तभी फ़ोन पर ईद बोलकर ख़त्म करने का रिवाज नहीं था. लोग हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद लोगों के घर जा पाते थे, तब भी ईद मिलते थे और तब भी हमारे घर में खुश शिरखुरमा बनता था कि अरे इतने दिन बाद आए ईद मिलने के लिए तो शिरखुरमा बनाए. तो ये मोहब्बतें थोड़ी इंटरनेट व्हाट्सअप ये सब की वजह से कम हो गई है. लोगों से फिजिकली जाके मिलिए बहुत खुशी होती है. लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब अचानक से आप उनके घर पहुँचेंगे, मिलिए अल्लाह ये तो कभी नहीं आती है, अल्लाह कैसे आ गई. तो मैं हमेशा से अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को, बहुत सारे दोस्तों को सरप्राइज़ करती हूँ कि उनको मिलने चली जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है. हम लोग यस आज के दिन 2-4 दिन थोड़ा इंटरनेट व्हाट्सएप थोड़ा कम करें और जाके फिजिकली मिलो, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी. और मैं कैसी लग रही हूँ विदाउट लिपस्टिक? मेरी मम्मी तो लगा, मम्मा जी तुम कभी ज़िंदगी में लगाए लिपस्टिक? कभी नहीं. कभी कब, मैं बोलती हूँ पॉन्ड्स का पाउडर लगा लो, ज़रा गर्मी का दिन है तब कहीं कभी लगाते लगाते ना अम्मा जी कभी कभी. हाँ वो भी नहीं लगाती मेरी हमेशा मेरे मम्मी. हाँ नेचुरल ब्यूटी मेरी मम्मी और मेरे पापा से. मेरे पापा को भी बोले पापा आयन करके दे रही हूँ ड्रेस है ना अम्मा जी, भग भग. नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं जब हूँ तो मेरे पापा ने आयन के ही कपड़े पहनने चाहिए. और अम्मा जी कपड़े इतने सारे पड़े, तुम्हारे पापा सिर्फ 2 ही कपड़ा पहनते, पापा कपड़ा पहनते ही नहीं दूसरा, वही 2 कपड़ा पहन पहन के ख़राब किए रहते हैं है ना अम्मा जी. सब नए नए कपड़े दे दिए ना पापा के, नया वाला एकदम ना.
हाँ मेरे पापा हम लोग, मैं पलक अम्मा जी, हम लोग सब अजमेर शरीफ गए थे, फिर वहाँ से दिल्ली घूमने के लिए गए थे, फिर तभी मेरी मम्मा जी पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और खूब डर रहे थे। अच्छा हाँ, मेरे पापा तस्लीम डरो मत, लेकिन मेरी अम्मा जी तो ऐसे सहम के बैठे थे ना पूरी फ्लाइट है। तो हाँ बहुत इंजॉय किए थे, मेरे पापा को बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब याद करते हैं हम लोग के, मेरे पापा एकदम हैप्पी गो लकी मेरी तरह है ना अम्मा जी। अम्मा जी मैं पापा की तरह दिखती हूँ ना। और फलक और फलक अपने पापा की तरह दिखती है, फलक भी अपने पापा है, मैं भी अपना पापा हूँ। और अम्मा जी के मतलब हम लोग ने नानों को तो देखे नहीं है, नानी अम्मा जी नानी की तरह दिखते हैं। हाँ है ना अम्मा जी, नानी की तरह दिखते हैं। हाँ तुम नहीं देखे ना नानी को, तो तुमको कैसे मालूम। चलिए तो एवरीवन एंजॉय कीजिए ईद को, और बस हम लोग भी रेडी है, अब कुछ मस्त हो जाए वो कल बताऊंगी क्या मस्त हो रहा है।